हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको चैप्टर 3 के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर प्लीज़ ज़रूर देखना। आज हम बताएंगे चैप्टर 3 के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो ये है, संसदीय सरकार से आप क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, वो ये है, संसदीय व्यवस्था का क्या अर्थ है, इस प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों का सेम ही आंसर होगा, तो आप गाइस आंसर चेक कर लीजिए, देख लीजिए। गाइस, मैं आंसर पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज़, मैं PPT बहुत स्लो चलाऊंगी, आप प्लीज़ खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गाइस हमने वीडियो में तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब सिर्फ हम मोटे तौर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, जो हमारी SOL की बुक होती है उसमें क्या नाम है, क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज होते हैं, तो इसलिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके निकाले हैं, जो ये आप देखिएगा ज़रूर। आते हैं संसदीय सरकार अर्थात कार्यपालिका का अर्थ। संसदीय सरकार की विशेषता है वह लोकप्रियता। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, संवैधानिक राज्य अध्यक्ष। गाइस, मैं PPT बहुत स्लो चलाऊंगी जिससे आप पढ़ने में आसानी हो आपको। मंत्रियों तथा विधानपालिका में अटूट संबंध। उत्तरदायित्व, विधानपालिका का मंत्रियों पर नियंत्रण। राज्य तथा सरकार के आदेशों में भेद। राजनीतिक विशेषों पर एक से विचार। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री को निम्न सदन को भंग करने का अधिकार। मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित। तो गाइस, इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है 10 पॉइंट तक। तो अब हमारे स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 2। प्रधानीय प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो प्रधानीय शासन का अर्थ ये लिखा है, आप देख लीजिएगा। प्रधानीय सरकार की विशेषताएं, ये पूरे 9 पॉइंट बताए हैं विशेषताएं में। अब आता है प्रधानीय सरकार के गुण। ये गुण कौन कौन से, स्थिरता होती है, संकट काल में उपयुक्त होता है, कुशल शासन प्रणाली, नीतियों की एकरूपता, विशेष द्वारा शासन, राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी, शक्ति प्रतिकरण का गुण। अब आता है हमारा प्रधानीय सरकार के अवगुण कौन कौन से होते हैं। विधानपालिका तथा कार्यपालिका में गतिरोध, अनुत्तरदायित्व, प्रधान अधिनायकवादी बन सकता है, ये व्यवस्था शरणात्मक कम होती है, लोकमत के प्रति उदासीन, बदलती हुई परिस्थितियों के प्रतिकूल, कुशल कानूनों का अभाव। निष्कर्ष आता है इसका ये रहा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। गाइस, मिस प्रिंट हो गया होगा, वैसे ही प्रश्न नंबर 3 है, 4 नहीं है। संसदीय तथा अधिशात्मक प्राणियों की विशेषताएं बताइए, इनमें से कौन सी प्राणी अच्छी है, क्यों। दोनों की हमें प्राणियों की विशेषताएं बतानी है, और कौन सी प्राणी बेस्ट है वो बतानी है, और क्यों बेस्ट है वो भी बताना है। तो पहले हमें इसमें पता चला है संसदीय तथा अधिशात्मक प्राणियों में भेद, शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, कार्यपालिका, राज्य तथा सरकार का मुखिया, राज्य अध्यक्ष संवैधानिक अथवा वास्तविक, विधानपालिका तथा कार्यपालिका में संबंध अथवा पृथक्करण। ये गाइस पूरा डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, डिफाइन करा हुआ है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। उत्तरदायित्व का प्रश्न, मंत्रियों पर विधानपालिका के नियंत्रण का प्रश्न, कार्यपालिका का प्रश्न, राजनीतिक एकरूपता का प्रश्न, प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति, निम्न सदन के भंग का प्रश्न, गोपनीयता, गोपनीयता का एक गाइस बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ आप अच्छे से देखना।
फिर आता है इन प्लानों में कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी, जो क्यू करके पूछा था वो इसका आंसर ये है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता से आप क्या अर्थ लेते हैं? क्या ग्रेट ब्रिटेन की संसद वास्तव में प्रभुसत्ता संपन्न है? ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता सर्वोच्च का अर्थ, ये पूरा अर्थ बताया आप देख लीजिएगा। अब आता है संसद की सर्वोच्चता प्रभुसत्ता के निहित अर्थ। संसदीय प्रभुसत्ता सर्वोच्चता पर सीमाएं, बाहरी व आंतरिक सीमाएं, नैतिक नियम, परंपराएं, विधि का शासन, पद्धत कानून निर्माण, रीति रिवाज, धर्म। फिर आते हैं इसका निष्कर्ष। गाइस प्रश्न के आखिरी में थोड़ा सा भी अगर आप निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे तो आपका जो वो आंसर होगा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टफुल होगा। चेक करने वाले को ये लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, इसलिए उसने लास्ट में निष्कर्ष भी लिखा है। तो आप प्लीज़ निष्कर्ष हर एक आंसर का लिखिएगा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। गाइस जहाँ तक हो सके आपको एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि अगर आप पूरा भर के लिखेंगे तो उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना पॉइंट वाइज होता है। अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो वो आसानी से समझ भी आ सकता है। जैसे कि इसमें पॉइंट वाइज दे रखा है विशेषताएँ, पॉइंट में हेडलाइन कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडलाइन कर दीजिएगा पॉइंट। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। मंत्रिमंडल तथा संसद का संबंध, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्ति उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सेवंथ आता है गोपनीयता। फिर आता है हमारा मंत्रिमंडल का निर्माण तथा उसकी रचना कैसे हुई है। मंत्रिमंडल के निर्माण से संबंधित कुछ सामान्य नियम, जो नियम थे वो ये बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा। अब जैसे कि गाइस इसमें पूछा था मंत्रिमंडल का निर्माण तथा उसकी रचना, तो इसका जैसे फर्स्ट टॉपिक बनता है मंत्रिमंडल का निर्माण, ऐसे करके भी अगर आप लिखेंगे तो उसको मंत्रिमंडल के निर्माण इतने तीन वर्ड को, तीन लेटर को आप हाईलाइट कर देंगे ब्लैक पेन से, तो आपका क्वेश्चन आंसर बहुत ही अट्रैक्टफुल रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा कि हाँ बच्चे को आता था इसलिए उसने हाईलाइट वगैरह करके लिखा है। अब आते हैं कि मंत्रिमंडल की रचना। अभी मंत्रिमंडल की रचना अलग ऊपर से दे रखा है, तो आपको ब्लैक पेन से लिख के इसको नीचे अंडरलाइन कर देना है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रालय में अंतर, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या, मंत्रिमंडल में विभिन्न विभाग, मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली, फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का महत्व के कारण का वर्णन कीजिए। अब इसका अथवा एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मंत्रिमंडल की तानाशाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों का आंसर सेम ही होगा, ये आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप ही पढ़ के जाना प्लीज़। परिचय, स्टार्टिंग हम परिचय से ही करते हैं। फिर आते हैं हमारा द्विदलीय व्यवस्था, कठोर दलीय अनुशासन, मंत्रिमंडल की शक्तियां, प्रदत्त कानून निर्माण, संसद के कार्यक्रम संबंधी नियम, मंत्रिमंडल द्वारा कॉमन सदन भंग करने के अधिकार, सामूहिक दायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लॉर्ड सदन के प्रभाव में कटौती,
क्या मंत्रिमंडल तानाशाही बन सकता है? उसका जैसे हमने सेकंड में जो अथवा का क्वेश्चन देखा था उसका आंसर ये है, देखो विरोधी दल, जनमत, परंपराएं, स्मार्ट का प्रभाव, फिर आते लास्ट में निष्कर्ष। गाइज आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चन का आंसर का आखिरी में निष्कर्ष ज़रूर लिखा है, तो आप भी प्लीज़ निष्कर्ष एक दो लाइन का ज़रूर लिखना जिससे कि आंसर बहुत अच्छा रहता है। तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। गाइज प्लीज़ ज़रूर, एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।